विद्य के पहल एनिमेशन एडिटिंग संस्था एरिना एनिमेशन लोन ले के पढ़े के सुविधा 6 से 26 महीना में नौकरी अपना के पीछे पीछे। विंध्य माँ एक पंचायत थी जहाँ बेहद बड़े आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा है। विधायक और भाजपा के कुछ तथा कथित नेतन के ऐसा संदर्भ, एक भाजपा नेता शासकीय जमीन का पूरी तरह से लूटे का आमादा, एक बिटिया जो युवा सोच के साथ सरपंची मत आई, ग्राम पंचायत गमनी की शासकीय जमीन है जहाँ पे वो दुकान बनवा रहे हैं। कथित भाजपा नेता के इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी? क्योंकि वो कई बार उनके घर उनका आना जाना भी हुआ है, और जब वो घर गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप जो करिए हम साथ में हैं आपके। वो गांव वाले के लिए नुकसान होगा। एक स्थानीय विधायक पर सीधा सीधा आरोप है कि शासकीय जमीन पर खुलेआम अतिक्रमण करवावा जा रहा है। सरकार हमारी है, विधायक हम है, आपका काम नहीं रोका जाएगा, आप बनाइए, कोई नहीं रोक पाएगा काम आपका। कि तू तो हमका वोट देता नहीं, वो हमका वोट देते हैं तो हम उनका पक्ष ले। ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे हैं, विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रश्रय प्राप्त है। मध्य प्रदेश के विंध्य माँ एक पंचायत थी जहाँ बेहद बड़े आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा है। स्थिति यह है कि विधायक और भाजपा के कुछ तथा कथित नेतन के ऐसा संरक्षण कि शासकीय जमीने का अब बंदर बांट में उतारू हो गए हैं। स्थिति यह कि एक ग्राम पंचायत ही बम्हनी जहां खुलेआम एक भाजपा नेता शासकीय जमीन का पूरी तरह से लूटे का आमादा है। अब वह लूट का रोके माँ सरपंच जो है नाकाफी साबित हो रही है। स्थिति यह है कि जौने बम्हनी पंचायत के हम बात कह रहे हैं, वह विंध्य के सीधी जिला अंतर्गत सीधी जनपद अंतर्गत आबत ही ओमा एक बिटिया सरपंच बनी और यह सोचिस कि हम अपने युवा सोच से अपने पंचायत का बेहतर बनाऊँ, लेकिन स्थिति यह कि खुलेआम भाजपा के कुछ तथा कथित नेता और जनप्रतिनिधि के गुंडागर्दी के चलते एक बिटिया जो युवा सोच के साथ सरपंची मत आई लेकिन अपने काम का सुचारू रूप से नहीं कह पा रही है। स्थिति यह कि ओके द्वारा एक शासकीय भूमि का सौंदर्यीकरण खितिर प्रयास कीन गए, ओ माँ पंचायत के आमदनी खितिर शासकीय दुकान बनावे के प्रयास कीन गए और मैरिज गार्डन बनावे के कि जो उन्हें गाँव के जनता का एक सुलभ व्यवस्था मुहैया हो सके, लेकिन ओ पर कुछ भाजपा नेता आक्रमणकारी के नियत ऐसे भय कि वो सीधे वह शासकीय जमीन का लूट ले चाहते, कब्जिया ले चाहते, ओ माँ निर्माण कार्य तक चालू कर दिन। जब सरपंच के द्वारा यह बात का उठावा गा तो यह उक्त भाजपा नेता का नागवार गुजरा और ओके द्वारा तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू कर देंगे। पूरी घटना कहा है उसे अपना का वाकिफ कराऊ। हमारे साथ वह बम्हनी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर का पूरा मामला है और काहे यह में कीन जाला है। तब यह अपना पंचक बता दी, ग्राम पंचायत बम्हनी के सरपंच आकृति तिवारी हमारे साथ हैं। तो आकृति यह का पूरा मामला है, पूरी बात अपना खुल के बताई। ग्राम पंचायत बम्हनी की शासकीय जमीन है जहाँ पे वो दुकान बनवा रहे हैं, और वो जो जमीन है तो वो ग्राम पंचायत के लिए दुकान और विवाह गृह के लिए पहले से प्रस्तावित है। तो मेरे वहाँ जाके मैंने वहाँ पे रोक की, उसके बाद वो नहीं माने, बोले हम आपके जैसे बहुत सरपंच देखे हैं, हम नहीं रुकेंगे। और फिर उसके बाद तहसील शिकायत की, तब से तहसीलदार साहब आए और वहाँ पे स्टे लगा के गए हैं जी। नहीं, अपना यह बताइए कि आखिर वह भाजपा नेता या तथा कथित भाजपा नेता के इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी है? कौनो जनप्रतिनिधि के हाथ है, केकर हाथ है कि वह आदमी खुले आम शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर अब शुरू कर दिए, दुकान बनाओ शुरू कर दिए? जैसे हमारे यहाँ के विधायक हैं केदार शुक्ला, उन्हीं के सपोर्ट में ये लोग ये कर रहे होंगे, उन्हीं का सपोर्ट है। उनका सपोर्ट है या अपना खुल के ये जानी थे या फिर सिर्फ अभी अंदाज बोली लगे? क्योंकि वो कई बार उनके घर उनका आना जाना भी हुआ है, और जब वो घर गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप जो करिए हम साथ में हैं आपके, तो उनका ही विधायक का ही सपोर्ट है। चलिए, तो कुल मिला के जैसा वहाँ के सरपंच अपना है ना, जो आदमी अतिक्रमण कह रहा है वह खुलेआम आरोप लगावत है कि अपना के चाचा जो कांग्रेस के महामंत्री हैं
उनके द्वारा जो है ये राजनीति की जाल लागी और यह में मतलब वो खुद ही अतिक्रमण करे के प्रयास कर लागे उनका मनसा पूर्ण नहीं भय ऐसे जो है यह में विवाद खड़ा कह रहे तो कहे में कितनी सच्चाई है इसमें। देखिए कोई भी सच्चाई नहीं है, मैं लड़की हूँ और मैं अकेले हर जगह नहीं जा सकती, जहाँ मेरे चाचा या फिर पापा या फिर मेरे भाई मेरे साथ जाएंगे। जब मेरे फैमिली वाले कोई मेरे साथ जाते हैं तो ये बोलते हैं कि दलाली कर रहे हैं, मतलब मैं सरपंची नहीं कर रही हूँ, सरपंची मेरे चाचा कर रहे हैं या फिर पापा कर रहे हैं। चलिए तो कुल मिला के अपना के कहा है कि खुलेआम एक बिटिया जो वास्तव में युवा सोच के साथ है, ये बताइए अपना जो यह प्रोजेक्ट है कितना महत्वाकांक्षी है यह पंचायत खातिर हुआ सार्वजनिक दुकानन के बनब शासकीय दुकान जो बन जाए ही और एक मैरिज हॉल जो बन जाए वो कितना जरूरी है वह पंचायत का। देखिए अगर गांव को मतलब आगे ले जाना है तो हमें गांव का विकास करना ही पड़ेगा, तो गांव में जब दुकानें बनेंगी और मैरिज हॉल बनेगा तो वहां गांव की जनताओं जनतो मतलब जनता का भला होगा, तो इनकम आएगी हमारी पंचायत को, हम अच्छे काम कर पाएंगे। तो मैरिज हॉल और दुकानें बनना बहुत जरूरी है। और यदि यह नहीं बनाता है तो ये गांव वाले खीतर नुकसान। हाँ वो गांव वाले के लिए नुकसान होगा। तो ये बताइए अभी का वहाँ घर बनना शुरू हो गया, वो दुकान बनवाओ शुरू कर दी नहीं जय क्रम। हाँ वो दुकान बनना शुरू हो गई थी, मतलब आधी बिल्डिंग तैयार हो गई थी उनकी, फिर उसके बाद स्टे लगा है। चलिए तो कुल मिला के पूरा माजरा मसला समझ सके थे, हमारे हाथ में वो दस्तावेज है, हम अपना का कुछ दस्तावेज अपने सहयोगी से कहा कि ऊँटों का करीब से आके दिखा दें कि यह अपना क्या आवेदन है जो उन्हें साफ तौर पर लिखा गया है। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि एक स्थानीय विधायक पर सीधा सीधा आरोप है कि शासकीय जमीन पर खुलेआम अतिक्रमण करवावा जाने लगा है। हम अपना का वो दस्तावेज दिखाए थे जो हमारे हाथ में है, यह खसरा नंबर है जो उन्हें साफ तौर पर शासकीय दर्ज है वह भूमि जो उन्हें पर खुलेआम अतिक्रमण की जान लग है और यह अपना देख सकी थे वह जमीन के नक्शों है एमा मौजूद है, यह पूरा रिकॉर्ड है जो उन्हें से अपना समझ सकी थे। हालांकि आवेदन अपना जगह जगह मतलब हर दुआरे में अपना अपन मूड पटक ही रही हैं, तब जाके बरियत्ते जो है इस्टे मिला है और इस्टे मिले के बाद जो है कहो ना कहो यह सिलसिला ख़त्म नहीं भा, अब जो है यह सिलसिला जारी है, धमकी के सिलसिला जारी है। एक सरपंच जो युवा सरपंच हैं यह सोच रही हैं ग्राम पंचायत के कुछ तस्वीर बदले तकदीर बदले तो उनका बदले नहीं दीन जाए, उनका कुछ करे नहीं दीन जाए, खुलेआम उन्हीं का अब जो है आरोप उन्हीं के ऊपर लगा देंगे कि ये जो है नेतागिरी कराए रही। हमारे साथ अरविंद तिवारी हैं जिन पर यह आरोप लगे हैं, वो आज कुछ मीडिया समाचार पत्रन में या खबरों छपी है कि अपना की वजह से यह सारी चीज़ हो रही है, वो अपना खुद अतिक्रमण कह रहे हैं। का पूरा मामला है अरविंद जी? गणेश जी प्रणाम। मामला ये था कि ग्राम सभा द्वारा 1606-1607 जो 75 डिसमिल की जमीन सीधी खड्डी मुख्य मार्ग में, ग्राम सभा का मैं भी एक मेंबर हूँ, सरपंच जी पर ग्राम सभा का मेंबर हूँ, ग्राम सभा का प्रस्ताव आया था कि वहाँ आगे सड़क किनारे दुकानें और पीछे मैरिज गार्डन बन जाए। जब उन लोगों को पता चला, उन लोगों ने ज़बरदस्ती और हमारे शिकायत करते करते सरपंच के शिकायत, पहले सरपंच गई मना करने नहीं माने, अभद्रता से पेश हुए, फिर पटवारी साहब भी मना करने गए तब भी नहीं माने, करते रातों दिन काम लगा, छत लेवल तक दुकानों का निर्माण हो गया था। तिवारी जी फिर गए, मैं SDM साहब से हम सब पूरे गांव के लोग मिलने आए, फिर तिवारी जी तहसीलदार साहब हमारे गए, उन्हें मना भी किया और स्टे जारी कर दिया। इसके बाद कल न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने पता है ग्राम पंचायत का काम और सेवा तो हम कर सकते हैं, पर जो सिग्नेचर हैं और ग्राम पंचायत के जो काम है वो सरपंच ही करेगी, कहीं दिल्ली बम्बई में तो नहीं, हमारा गांव बमनी है तो गवर्नमेंट न रहेगी। उनका उन्होंने एक कहा कि हम भी कब्जा किए हुए हैं, हम अपने लोगों को सरकारी ज़मीन में घर बनवा रहे हैं, हमारा जब हमारी जो रोड का उन्होंने कहा बाउंड्री वाल, जब रोड नहीं बनी थी तब की मेरी बाउंड्री वाल है, मैंने ही लोगों से हाथ बिनती जोड़ के वो रोड निकलवाई थी अपने गाँव में। और एक हमारे ईंटा पर आने की बात, मैंने वहाँ पे मैं पटवारी और तहसीलदार को ले जा करके हमने कहा अगर देख लीजिए अगर ये ज़मीन में सरकारी हो तो मैं भी छोड़ दूंगा, वहाँ पटवारी तहसीलदार साहब खड़े थे, बहुत लोग खड़े, भीड़ थी, तहसील पटवारी साहब ने कहा कि रामानुज तिवारी जो मेरे पिता हैं उनके स्वत्व की ज़मीन है और मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन अगर मेरी ज़मीन ग्राम पंचायत के विकास में शासन की ज़रूरत में कहीं भी आएगी जिसको मैंने कब्जा किया है आज सरकार छुड़ा ले, पर हम सबकी ग्रामवासियों की मंशा है कि वो दुकानें और मैरिज गार्डन बन जाने से गरीबों की बहुत सारी
समस्याएं हल हो जाएं, ग्राम पंचायत की आमदनी भी बढ़ जाएगी। और उन्होंने कहा कि मेरे ये करने वो आए कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे हैं जिन्हें विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रश्रय प्राप्त है। मैं एक बार हम लोग विधायक जी के घर भी गए थे, उन्होंने सीधे अपने घर में कहा कि तू तो हमका वोट देता नहीं, वो हमका वोट देते हैं तो हम उनकर पक्ष ले। फिर हम लोग बहुत सारे लोग गए थे, 200 लोग गए थे कि वो आपके वो लोग गलत कर रहे हैं, हमारे सरपंच से भद्रता बार बार कर, उन्हें मना कर दीजिए, मेरे पिता के ऊपर तक हाथ चलवा दिए थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, बिनती जोड़ा, तब भी वो नहीं माने। और जिस दिन तहसीलदार साहब यहाँ गए थे उस दिन विधायक पुत्र गुरदत्त शरण शुक्ला बमनी गए थे अपना जन्मदिन मनाने, और गाँव वालों ने कहा, उन्होंने तो वहाँ भी कहा था स्कूल में ही बैठ के कि आप चिंता मत करिए, सरकार हमारी है, विधायक हम हैं, आपका काम नहीं रोका जाएगा, आप बनाइए, कोई नहीं रोक पाएगा काम आपका। अब पहले न्यूज़पेपर मैंने सब अखबार वालों से कहा विनती कि चित्तब जाके तिवारी जी को रिश्ते प्रदान किए हैं। मैं शासन प्रशासन से, और उन्होंने मेरे ऊपर एक वो कहा कि मैं उन्हें परेशान करके रखा हूँ, एक भी सबूत तो उनको मेरा परेशान करने का वो लाएँ। उन्होंने कहा मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर शासकीय जमीन छोड़ देने से उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा और गंभीर और संगीन मामला है, लगातार आरोप दर आरोप लग रहे हैं। और एक स्थानीय विधायक का पंचायत के बेहतरी खातिर काम करे चाहिए, लेकिन जब कहा था ना जब बारिन खेत खाए लागे तो भरोसा के ऊपर। अब स्थिति यह है कि खुलेआम जब ऐसा व्यक्ति का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जो व्यक्ति खुद शासकीय जमीन लूटा माना आमादा है, और खुलेआम पंचायत के विकास कार्य जो सबसे बड़ी बात कि एक शासकीय दुकान बने से पंचायत की आमदनी हुई, और मैरिज हॉल यदि बन जाते हैं तो गांव के गरीब लोगन के बिटिया के जो काज बिया है वह मैरिज हॉल से हो पाई, तो एम के का आपत्ति है यह समझ में नहीं आवे। भले कितनों स्थानीय विधायक के खास आई, लेकिन उनका समझे चाहिए कि गाँव के विकास हुई तबे देश के विकास हुई। हालाँकि अब सरपंच जो बेबे प्रयास कर रही हैं मीडिया के माध्यम से, आज प्रेस वार्ता उनके द्वारा कीन गए, आपन बात रखी गई ही, अब सवाल यह उठ रहा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, का शिवराज सरकार ऐसा भाजपा नेतन का बढ़ावा दे रही है जो उन्हीं का मतलब काटे में लगे हैं, मतलब कुल मिलाए के गांव यदि विरोध में खड़ा हो जाए तो का यमे चुनाव उनकर सही हुई या का चयन सही हुई, का यमे नेता सही हुई, सबके विकास और विकास के परिकल्पना अलग होती, ठीक है अपना एक बेहतर सोच के माध्यम से कुछ बेहतर करे चाहती लागही, लेकिन करे नहीं पौती लागही। हालांकि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन का चाहिए कि गांव के भलाई खातिर यह मामला का बेहद जल्द निपटा लें और गांव के विकास पर एक साथ एकजुट होकर काम करें। तो अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।